Which of the following sets of numbers are relative primes? Question में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा sets of numbers relative primes हैं? तो इस question को solve करने के लिए हम लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि relative primes क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग relative primes के बारे में जानते हैं। Friends, सबसे पहले relatively prime numbers का definition जानते हैं। Two numbers A and B are relatively prime if they have no common factor other than one. मतलब कोई भी दो नंबर A और B की जगह कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है? तो A और B अगर कोई दो नंबर हमारे पास होगा और उसका common factor यानी दोनों A और B उन दोनों का common factor one के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे relatively prime numbers, ठीक है? Example मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 5 और 7, ठीक है? 5 के factors कौन हैं? 1 और 5 हैं, ठीक है? और 7 के factors 1 and 7, पता है आपको? तो इसमें common factor क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 5 और 7 relatively prime numbers हो जाएंगे, ठीक है? इसी तरह एक और example ले लेते हैं, 3 और 8, ठीक है? तो 3 के factors कौन-कौन हैं? 3 का है factor 1 और 3, 8 का factor है 1, 2, 4 और 8, ठीक है? तो इसमें common factor क्या आया? 1, तो 3 और 8 भी relatively prime हो जाएगा। अब तीसरा एक और example ले लेते हैं, 7 and 9, ठीक है? तो 7 का factor आप लोगों को पता है 1 और 7, और 9 का factor क्या होता है? 9 का factor होता है 1, 3 और 9, तो 1 common आ गया दोनों का factor, ठीक है? तो 7 और 9 भी relatively prime हो जाएगा। इसी तरह 12 and 17, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे example हैं जो आप ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 एंड 9। आप देखेंगे कि 8 और 9 में 8 प्राइम नहीं है और ना ही 9 प्राइम है, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 8 का फैक्टर्स है a1 2 4 और 8, और 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए ये भी relatively prime हो जाएगा। Friends, अभी जो मैंने कुछ examples बताए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि relatively prime क्या है, ठीक है? और relatively prime number होने के लिए किसी भी दो number को कोई भी एक number prime हो ये ज़रूरी नहीं है, या दोनों prime हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी last example आपको 8 और 9 का दिया था, 8 और 9 में ना ही 8 prime number है ना ही 9 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों जो सेट है 8 और 9 का ये रिलेटिवली प्राइम कहलाता है। रिलेटिवली प्राइम को ही हम लोग को प्राइम भी कहते हैं, और इसी को हम लोग म्यूचुअली प्राइम के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग स्ट्रेंजर्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख सकते हैं 13 और 65 में इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा 13 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इसीलिए ये रिलेटिव प्राइम्स नहीं होगा। दूसरा आप देख सकते हैं 29 एंड 75, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, ठीक है? और उसके बाद 51 एंड 85, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए अदर देन 1 क्या है? 17 आ जा रहा है, तो ये भी जो है आपका relative primes का सेट नहीं है। उसके बाद लास्ट है 19 एंड 38, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 19 आ जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो दूसरा है सेट 29 और 75 का यही relative primes है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।